है, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे थोड़ा सा परेशान किया क्या फालतू में नाक चढ़ा रही तुमने? थोड़ा हो या ज्यादा हो तुम कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हें देखे ना मुझे गुस्सा आता। पर ये तो रिया के साथ है ना, तो प्राची से क्यों बात कर रहा है? पर मुझे तुम्हें करके बहुत सुकून मिलता है, एक अजीब सी ना सैटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। लगता है ये लड़का भी रिया की तरह मेरी प्राची को पसंद नहीं करता। कौन कौन? अरे भाई मैं हूँ। हाँ देख रहा हूँ तू है मेरी जान, पर ऐसे डरा क्यों रहा है? तू चुप क्यों रहा है? कौन चुप रहा? तेरी भाभी को देख रहा हूँ, चुप नहीं रहा हूँ, पागल हो रहा क्या? भाई मैंने कुछ नोटिस किया, वो जो लक्ष्मी माता रिया है ना, उस दिन उस लड़के को देखा था कॉलेज के बाहर उसके साथ। हाँ मैंने भी देखा था उसे। बोल तो। बस लड़के की नजरें भाभी पे सही नहीं लगती मुझे। तेरे सर की कसम भाई, लेकिन भाभी की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन उस लड़के की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर है। धन्यवाद भगवान जी, तेरी भाभी की तरफ से नहीं है ना? चलेगा। अरे भाई क्या ठीक है, कहीं वो लड़का? अब चुप कर, बावला ना हो, पागल हो रहा है क्या, क्यों परेशान हो रहा? अभी जाएगा तेरा भाई तेरी भाभी से मिलने के लिए, और जाकर के अपने दिल की बात कहेगा। पर क्यों इंतजार करूं किसी की नौटंकी का, कि कोई आएगा मेरे को जाकर के मेरी डार्लिंग से मिलवाएगा? जानता हूं मैं अपनी, तो इनको बहुत पहले से होशियारपुर से जाकर के कहूंगा कि रिया के दिमाग में उसके लिए पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खुश हो जाएगी, सोचेगी कि लड़के के अंदर दम है, सच बोल रही है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप यहाँ जान? मैं तुमसे मिलने का मन किया आ गया मैं। ऐसे बाकी सब कहे? वो दीदी, बाकी सब आप आ गई दीदी? अरे आना ही था, वो फोन पे ऐसे रो रही थी जैसे विदाई हो रही हो तुम्हारी, और यहाँ आके पता। ये तो है ही ऐसे, तुम इतनी बातें करने वाली लड़की कैसे आ गई इनकी बातों में? हैप्पी दिवाली है दीदी, और आपको हैप्पी देखने के लिए आ गई मैं इनकी बातों में। आप नहीं बदलेंगे? बदलना भी नहीं चाहिए ना। अरे वो देखो उड़ता करेला। बस बस हाँ, अभी चप्पल जूते बाहर निकालो और अंदर आ जाओ, रंगोली बनाई है मैंने, खराब नहीं होनी चाहिए। आती हूँ। कहाँ से मिली है तुम? कुछ मत बोलिए, बहुत अच्छी चप्पल उतार ही होगी, पर सबसे अच्छी वाली तो मेरे पास है ना, बेस्ट वाली। क्या लाइट चली गई? हाँ दिवाली पे। दिवाली के दिन लाइट कैसे चली गई? अरे मेरी रंगोली। वो दिखी नहीं ना। सॉरी, कितना अच्छा दिन है कि तुम मुझे मिल गई, मैं बता नहीं सकता कि हाउ मच हैप्पी आई एम। हैप्पी से याद है आप? हैप्पी दिवाली। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? प्राची तुमने इनवाइट किया इसे? इस घर की दिवाली की पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी लोगों को इनवाइट करने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इन्होंने प्राची ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, रिया ने बुलाया है, मतलब रिया ने इनवाइट किया है। रिया? हाँ। रिया मेहरा जी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। क्यों? तुम जैसे लोगों को इनवाइट करने लगी। एक मिनट मैडम, मैं कोई हरा गहरा नथु खेरा नहीं हूँ, होशियारपुर से हूँ, और होशियारपुर के ग्राम पंचायत के मुखिया का इकलौता लड़का हूँ। घर में 5-5 कारें, 6 जीप और 50 भैंसे हैं मेरे यहाँ, 50। ऐसे की कमी नहीं, आप तो जानती हो। और जमीन इतनी है कि जहाँ तक देखो खत्म नहीं होगी, इतनी जमीन है, बहुत पैसे है हमारे यहाँ, पैसे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी मनाई जाती है दिवाली, मेरे ख्याल ये तो बहुत छोटी है, हमारे बहुत बड़ी मनाई जाती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, 10 गांवों के लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर बुला बुला करके किसी से पूछते नहीं कि हुआ रही, आप कौन, आप कौन, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। होशियारपुर? हाँ
पता था तुम्हारा ही फ्रेंड होगा। देखा, मेरी बेइज्जती करके चली गई वो, इसीलिए मैं होशियारपुर से दिल्ली नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लिए आया। भैया एक मिनट, ये पानी पियो। थैंक यू। इट्स ओके। एक कमरे में बंद हो। दीदी सिर्फ हमारे घर में लाइट नहीं है। और मधु आ जाए। आपने कुछ कहा सर? नहीं नहीं नहीं, बोल रहे कि वो आए और लाइट चली गई। अरे लाइट चली गई तो क्या हुआ, चेहरे पे खुशी तो आ गई ना। क्या कहा था मैंने तुमसे, मेरे आते ही खुश हो जाएगी। देखो कितनी खुशी है कि नहीं है। हाँ दीदी, ये बोल रहे थे आपने इनका चेहरा देखते ही खुश हो जाएंगी। बहुत सादा। वैसे वो फ्यूज रूम का है। फ्यूज रूम? छोटा सा घर है, यहाँ फ्यूज रूम थोड़ी होगा, फ्यूज बॉक्स है। चलो फिर आरती कर लेते हैं। दीदी मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी ले आना। तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। I want to give you all happiness in the world. I really do. लेकिन क्या हो गया अचानक? अब सही कहा तुमने, तुम्हें छोटा घर नहीं, you deserve a big house. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तुम्हारे लाइफ में सब कुछ बड़ा होना चाहिए। I really wish for that. मैं तुम्हें दुनिया की हर सहूलियत देना चाहता हूँ, हर खुशी। आपको क्यों लगता है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया? मेरे लिए पैसा, गाड़ी या ज्वेलरी कभी मायने नहीं रखते थे। मेरे लिए तो आप सब कुछ है। मेरे लिए आपका दिल किसी भी बंगले से बढ़कर है। आपका दिया हुआ मंगलसूत्र मेरे लिए किसी भी डायमंड नेकलेस से बढ़कर है। और गाड़ी से ज्यादा मुझे आपका हाथ पकड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो जिंदगी शिकायत। प्लीज 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 नहीं, अब क्यों? अब तो हम एक साथ हैं, आपको मैं मिली और मुझे आप। अब क्यों? इडियट। यस। ओह, 20 साल से अंदर भरा हुआ था, सब निकल के आ रहा है। अब हम मिल लिए ना, अब हमें ना हमारे बच्चों से भी मिलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हमें अलग अलग घर में नहीं बल्कि एक ही घर में रहना चाहिए? हम दो, हमारे अब दो और 200 और। नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, उसे गले से लगाना चाहती हूँ। आप कब मिलवाएंगे मुझे? अरे इसमें बड़ी बात। She is not a good woman. Ruined my life. Ruined my childhood. हाँ, of course. लेकिन पहले मैं हमारी बड़ी बेटी से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें हमारी छोटी बेटी से मिलवाऊंगा। वो आज उसकी फ्रेंड के यहाँ दिवाली पार्टी है तो वहाँ गई है वो। ठीक है, जब वापस आ जाएगी तब मैं मिलूंगा। एक बात कहूँ? हाँ। अच्छा लगता जब आपसे मिलती हूँ। हे लक्ष्मी माता, इस दिवाली मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आप हमारी जिंदगी में रोशनी ले आए। तुमने भगवान से हमारी लाइफ में खुशियां मांगी है ना? आपने ये भी मांगा है कि हम हमेशा के लिए मिल जाएं। हम क्या, हमारे दिल भी मिल गए, छोड़ चुके हैं हमेशा के लिए। इसीलिए आपने नहीं मांगा ना कुछ, क्योंकि हम दोनों के मन में एक ही बात है। मांगा नहीं तो छीनूंगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।